वो सुगंध कहाँ से आ रही है, इसकी खोज करते करते शांतनु इधर उधर ढूंढते हुए घूम रहे थे। गंगा के जाने की वजह से शांतनु के जीवन में जो एकाकीपन, जो खालीपन आ गया था, शायद उस समय शांतनु को ऐसा लगा कि सत्यवती के आने से वो खालीपन थोड़ा सा दूर हो सके। शांतनु सत्यवती के पिता की इस शर्त को सुनकर के हक्के बक्के रह गए कि इस प्रतिज्ञा की वजह से आज से सारा जग, सारी दुनिया तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगी। द वैदिक जर्नी में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। महाभारत की कहानी में हम सबके साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने जाना था कि किस तरह जब देवव्रत बड़े हो गए थे, योग्य हो गए थे, तो गंगा ने उनको शांतनु को सौंप दिया था और उसके बाद वो वापस चली गई थी शांतनु को छोड़ करके। और शांतनु और देवव्रत वापस अपने राज्य की राजधानी लौट गए थे। और देवव्रत किस तरह से शांतनु के साथ रहते थे और देवव्रत का साथ पा करके शांतनु ने किस तरह से अपने राज्य को प्रगति के पथ पर बहुत बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। लगभग 4 वर्ष बीत गए ऐसे। शांतनु व्यस्त थे, बहुत व्यस्त रहते थे अपने राज्य को संभालने में, राज्य के कामकाज में। ऐसे ही एक दिन शांतनु नदी के किनारे भ्रमण करने के लिए निकले, तभी उनको कहीं से बहुत अच्छी सुगंध आई, बहुत अभूतपूर्व सुगंध उनको महसूस हुई। वो सुगंध कहाँ से आ रही है, इसकी खोज करते करते शांतनु इधर उधर ढूंढते हुए घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बहुत परम सुंदरी युवती के ऊपर पड़ी। वो सुगंध उसी युवती से आ रही थी। शांतनु उस युवती के पास गए। ऐसा रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा यौवन उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था। विस्मित हुए शांतनु उस युवती के पास गए और उससे उसका नाम पूछा, उसका उससे परिचय पूछा। उस युवती ने बताया कि मैं मछुआरों के मुखिया की पुत्री सत्यवती हूँ। शांतनु सत्यवती को देख करके बहुत प्रभावित हुए। गंगा के जाने की वजह से शांतनु के जीवन में जो एकाकीपन, जो खालीपन आ गया था, शायद उस समय शांतनु को ऐसा लगा कि सत्यवती के आने से वो खालीपन थोड़ा सा दूर हो सके। कुछ समय बाद सत्यवती के पिता से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट करी। सत्यवती उनको अपने पिता के पास लेके गईं। शांतनु ने सत्यवती के पिता से जब मुलाकात करी, पूरी विनम्रता के साथ सत्यवती के पिता से कहा कि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता शांतनु के इस प्रस्ताव को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शांतनु को अपनी एक शर्त कह सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे लिए इससे गर्व की, इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है कि मेरी पुत्री आप जैसे सम्राट की पत्नी बने, रानी बने। मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि सत्यवती का विवाह अवश्य ही किसी राजकुल के व्यक्ति के से, किसी राजा के साथ ही होगा। तो उस समय ही मेरे मन में ये इच्छा आई थी, बड़ी प्रबल इच्छा आई थी कि जब भी मेरी पुत्री का विवाह किसी राजा से होता है तो मेरी बेटी तो रानी जरूर बनेगी ही बनेगी, लेकिन मेरी बेटी का जो पुत्र होगा उसको ही उस राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, आगे जाकर के उसको ही उस राज्य का राजा बनना चाहिए। ऐसी मेरी हमेशा से बड़ी प्रबल इच्छा रही है। तो यदि आप मुझे ये वचन दे सकते हैं महाराज कि सत्यवती से आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो पुत्र प्राप्त होगा, वही आगे जाके आपका उत्तराधिकारी बनेगा, वही जाके राजा बनेगा, तो मुझे इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है, आप निश्चय ही सत्यवती से विवाह कर सकते हैं। शांतनु सत्यवती के पिता की इस शर्त को सुनकर के हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये तो संभव नहीं था।
शांतनु का ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत था और परंपरा के अनुसार राजा की मृत्यु के पश्चात या राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उस राज्य का उत्तराधिकारी होता है और वही आगे जाके राजा बनता है, जो कि देवव्रत थे। देवव्रत के होते हुए शांतनु ऐसी किसी शर्त का पालन नहीं कर सकते थे जिसमें देवव्रत को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। शांतनु ने सत्यवती के पिता से क्षमा मांगी कि नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, मैं देवव्रत के साथ, मैं अपने बड़े बेटे के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता। मैं चाहता तो बहुत हूँ कि सत्यवती से मेरा विवाह हो सके, परंतु ये शर्त मुझे स्वीकार्य नहीं है। और ऐसा कहकर के शांतनु वापस चले गए। शांतनु वापस तो आ गए, परंतु उनका मन अभी भी सत्यवती में ही लगा रहता था। बड़े उदास रहने लगे वो, गंगा के जाने के बाद से भी उदास ही थे वो, परंतु अब तो उनके दुख की कोई सीमा ही ना रही। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। देवव्रत ने भी अपने पिता को जब देखा कि वो बहुत उदास रहते हैं, तो वो भी बड़े व्याकुल, बड़े परेशान, बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप इतने चिंतित, इतने उदास क्यों रहते हैं, क्या वजह है, ऐसा क्या हो गया, मुझसे कोई भूल हुई है या राज्य में किसी तरह की कोई समस्या है जो हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हुआ क्या है। परंतु शांतनु ने देवव्रत को कोई उत्तर नहीं दिया। देते भी क्या, वो कह भी क्या सकते थे, देवव्रत से ये देखा नहीं गया। वो किसी ना किसी तरह से, किसी भी तरह से जानना चाहते थे कि उनके पिता की उदासी का कारण क्या है। अंततः जब शांतनु ने उनको कुछ नहीं बताया, तो देवव्रत शांतनु के एक बहुत ही विश्वस्त मंत्री थे, उनके पास गए इस उम्मीद से कि शायद उनको कुछ पता हो। उन्होंने शांतनु के उस जो मंत्री थे उनसे पूछा, उनके सामने अपना प्रश्न रखा कि क्या आपको पता है कि मेरे पिता सम्राट शांतनु इतने उदास क्यों रहते हैं। तो शुरू में तो जो मंत्री थे उन्होंने थोड़ा सा आनाकानी करी जवाब देने में, परंतु जब देवव्रत ने हठी पकड़ ली, तब जा करके मंत्री को सारी बातें पता थी पहले से कि शांतनु इस कारण से उदास हैं। उनको सत्यवती वाला पूरा प्रकरण, सत्यवती के पिता की शर्त, इसके बारे में सब पता था। उन्होंने देवव्रत को वो सारी बातें कह सुनाई, तो देवव्रत को पता चल गया कि शांतनु के दुख का असल कारण क्या है। मनी मन देवव्रत बड़े प्रसन्न भी हुए, क्योंकि अब जबकि उनको समस्या का कारण पता चल गया था, तो अब उसका निदान भी किया जा सकता था। जब तक उनको पता नहीं था कि समस्या का कारण क्या है, तो वो उसका निदान भी कैसे कर सकते थे, परंतु अब वो कर सकते थे। मनी मन उस निदान के बारे में सोचते सोचते देवव्रत सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय सत्यवती के पिता को दिया कि मैं शांतनु का पुत्र देवव्रत हूं और मुझे पता चला है कि मेरे पिता आपकी कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं और आपको कोई आपत्ति नहीं है इस विवाह से, परंतु आपकी जो शर्त थी वो मेरे पिता पूरी नहीं कर पाए, उसका वचन आपको नहीं दे पाए, क्योंकि मेरे पिता मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं और उनको लग रहा था कि मेरे साथ ये बड़ा अन्याय होगा यदि वो आपकी शर्त को मान लेते हैं। तो मैं देवव्रत, शांतनु का पुत्र, गंगा का पुत्र, आपको वचन देता हूं, अपने पिता की तरफ से वचन देता हूं कि मैं स्वेच्छा से अपना जो भी अधिकार है उत्तराधिकार का, सिंहासन पे जो भी मेरा अधिकार है, उसको स्वेच्छा से वापस लेता हूं और वो अधिकार सत्यवती यानी आपकी पुत्री के पुत्र को ही प्राप्त होगा और पिता के बाद, शांतनु के बाद, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सत्यवती के पिता बड़े प्रसन्न हुए, उनकी पितृ भक्ति देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने देवव्रत को गले से लगाया और उन्होंने कहा, धन्य हो तुम कि अपने पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व उन पर न्योछावर करने के लिए क्षण में तैयार हो गए।
धन्य है शांतनु भी तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके, परंतु मेरे मन में अभी भी एक शंका है जिसकी वजह से मैं तुरंत हाँ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, और वो ये है कि तुम तो ठीक है, तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि तुम सिंहासन पे अपना अधिकार छोड़ दोगे, त्याग दोगे और तुम्हारे स्थान पर सत्यवती का पुत्र, मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा, परंतु उसके आने वाली पीढ़ियों का क्या? तुम्हारे जो पुत्र होंगे उन्होंने यदि राज्य पे अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया, उन्होंने यदि सत्यवती के पुत्र से किसी तरह से युद्ध करना शुरू कर दिया या उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? देवव्रत के सामने कोई दूसरा उपाय समझ में नहीं आ रहा था। उनको तो ये लग रहा था कि जो भी शर्त थी सत्यवती के पिता की, यदि वो उसको पूरा कर देंगे तो उनके पिता का दुख दूर हो जाएगा, सारी समस्या सुलझ जाएगी। परंतु अब यहाँ पर आकर के सत्यवती के पिता ने अपनी शर्त को और बड़ा कर दिया। पर देवव्रत तो देवव्रत थे, उन्होंने उसी क्षण एक दूसरी प्रतिज्ञा करी, क्योंकि वो किसी भी सूरत में सिर्फ अपने पिता के सुख को, उनकी खुशियों को वापस लाना चाहते थे। वो अपने पिता को दुखी नहीं देख सकते थे, उदास नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने तुरंत उसी क्षण, उनको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत उसी क्षण उन्होंने एक दूसरी प्रतिज्ञा ली जिससे कि सत्यवती के जो पिता हैं उनको किसी तरह की शंका ना रह जाए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा करी कि मैं तो अधिकार छोड़ रहा हूं सत्यवती के पुत्र के पक्ष में, साथ ही साथ ये भी शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, मेरे पुत्र होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो भी सत्यवती के पुत्र होंगे और उनके जो भी वंशज होंगे उन्हीं को राज्य का अधिकार मिलता रहेगा, मैं रास्ते से हट ही जाता हूं। और ये प्रतिज्ञा देवव्रत ने सबके सामने वहां पर करी, सत्यवती के पिता की उपस्थिति में कुछ मंत्रीगण उपस्थित थे, उन सबके सामने समक्ष उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी। और इसके बाद तो अब सत्यवती के पिता के पास और कोई दूसरी बात रह ही नहीं जाती थी, वो गदगद हो गए। देवव्रत की पितृभक्ति को देख करके उनके पास अब कोई दूसरे शब्द ही नहीं बचे, और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शांतनु के लिए अपनी पुत्री के विवाह का के प्रस्ताव को स्वीकार किया और देवव्रत को वचन दिया कि सत्यवती ही उनके पिता की पत्नी बनेगी और उनको अब किसी तरह की कोई भी शंका नहीं है। और उसी क्षण उसी समय उन्होंने देवव्रत को नाम दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा करी थी जो कि इसके पहले ना कभी किसी ने की थी ना कोई आगे कर सकेगा। उस प्रतिज्ञा, उस भीषण प्रतिज्ञा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने देवव्रत को कहा कि इस प्रतिज्ञा की वजह से आज से सारा जग, सारी दुनिया तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगी, और यहीं से देवव्रत का नाम भीष्म भी पड़ गया, और भीष्म ही उनका नाम ज्यादा प्रचलित है, भीष्म के नाम से ही वो विख्यात हैं, उसी नाम से हम उनको जानते हैं। इस तरह से सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और देवव्रत देवव्रत से भीष्म बन गए। हस्तिनापुर के सम्राट कुरु वंश के कुलदीपक को वीरगति प्राप्त हुई। भीष्म को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वहीं पर घोषणा करी, उसी समय अपने बल से, अपने वीरता के दम पर इन तीनों कन्याओं का हरण करेंगे, और उनके तप का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भीष्म की बर्बादी था, क्योंकि वो भीष्म को सबक सिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि भीष्म ने जो उनके साथ बुरा किया है, जो बुरा उनके साथ हुआ है भीष्म की वजह से, उसका फल भीष्म को अवश्य मिलना चाहिए।